नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट पे बात करेंगे। देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की तो बुलेटिन स्वाद करते हैं। पहली खबर से तो सरकार ने बढ़ा दिया है पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स, डीजल के उत्पाद शुल्क में हुई है कटौती। भारत सरकार ने जो है कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को जो है बढ़ा दिया है। अब विंडफॉल टैक्स को जो है 4,700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है, पहले ये 3,300 रुपए प्रति टन था। बता दें आपको, नई दर जो है आज से लागू हो गई है। टैक्स जो है विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी CASEAD यानी सिंध के रूप में जो है वो लगाया जाता है। वही भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार डीजल पर SED को जो है 1.50 यानी 1.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वही पेट्रोल और डीजल ATF पर लेवी शून्य पर बरकरार है। वही भारत सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसके बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाता है। बता दें आपको कि सरकार हर 15 दिन में इसकी समीक्षा जो है वो करती है। बता दें आपको कि विंडफॉल टैक्स पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। दरअसल ये एक मुख्य तौर पर निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल डीजल पर लगाया जाता है। चलिए बात अब करते हैं अगली खबर की। तो रजिस्ट्री के लिए नए नियमों में बिहार में खड़ा किया गया है बड़ा संकट, जमीन खरीद और बिक्री पर लगा है ब्रेक। बिहार सरकार ने जमीन के निबंधन में जो है फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जमाबंदी कानून को लागू किया है, ताकि जमीन का जो मूल मालिक है वह अपनी सहमति से जमीन को यहाँ पर बेच सके। वह जमाबंदी कानून आने से जो है जमीन के फर्जीवाड़े को रोकने वालों पर लगाम लगेगी। जमीन बेचने को लेकर भूस्वामी को ही जो है सभी तरह के अधिकार जो है वो दिए गए हैं। हालांकि जिला अपरदन प्रबंधन कार्यालय में नए कानून जमीन की रजिस्ट्री को लेकर जो है स्पष्ट जानकारी देने के लिए कोई अधिकृत यहाँ पर नहीं है। ऐसे में नए कानून से जमीन की रजिस्ट्री को लेकर ऊहापोह की स्थिति जो है बन गई है। वही नतीजा यह है कि जमीन रजिस्ट्री में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की जा रही है। वित्तीय वर्ष के आखिर में जो है जहाँ पर जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए होड़ लगी रहती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। देखिए बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 5 दिन वर्किंग की मांग को लेकर जो है सरकार दिखा सकती है हरी झंडी। सरकारी विभाग को लेकर प्राइवेट कंपनियों तक जो है कई सेक्टर में 5 डेज वर्किंग का प्रावधान है, लेकिन बैंक कर्मचारियों के लिए प्रावधान नहीं है, जिसको लेकर अब लंबे समय से जो है बैंक कर्मचारी मांग करते रहे हैं उन्हें भी जो है 5 डेज वर्किंग का फायदा मिल सके। उनका ये डिमांड जो है पूरी होने वाली, क्योंकि खबर है कि इस साल ही उनकी जो मांग जो है मानी जा सकती है। अगर सरकार ये मांग अगर मानती है तो बैंक कर्मचारियों को हफ्ते में 5 ही दिन काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि जो बैंकिंग संगठन जो है बैंक कर्मचारी यूनियनों के गठबंधन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा, जिसमें एक बार फिर बैंकिंग क्षेत्र के लिए 5 डेज वर्किंग के प्रावधान को मंजूरी देने की बात कही है। इतना ही नहीं, बैंक कर्मचारी संघ ने यह भी आश्वासन दिया है कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग घंटों या फिर कर्मचारियों के लिए अधिकारियों के लिए कामकाज घंटों में कोई कटौती जो है वो नहीं की जाएगी। जानकारी में सामने आया कि यूनियन ने वित्त मंत्री से इस मामले में समीक्षा करने और बैंक संघ यानी IBA को जो है उसके ही निर्देश देने का आग्रह यहाँ पर किया था। आपको कि फिलहाल बैंक ब्रांचेज दूसरे और चौथे शनिवार बंद रहते हैं। यूनियन जो बैंक यूनियन जो है 2015 से मांग कर रही है कि देश में बैंकिंग सेक्टर में भी शनिवार रविवार को छुट्टी का प्रावधान किया जाए, यानी छुट्टियों के प्रावधान को लेकर जो है यहाँ पर लगातार ये जो रसाकसी जो है वो चल रही है। कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर बड़ी खबर। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5,49,00,000 का जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है FIU जो है उसने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5,49,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। वही FIU ने जो है रिजर्व बैंक सहित दूसरे एजेंसियों के एक्शन की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की जांच एजेंसी जो है उसने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच जो है शुरू कर दी है। उनकी कुछ संस्थाएं और बैंक जो है वो बिजनेस नेटवर्क ऑनलाइन गैम्बलिंग सहित अवैध गतिविधियों में लगे यहाँ पर हुए थे। इन अवैध गतिविधियों में जनरेट फंड्स को कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए भेजा था, जिसने
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। इधर पेटीएम पेमेंट बैंक के जो प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा है कि जुर्माना जिस बिजनेस सेगमेंट पर लगा है उन्हें उसे 2 साल पहले जो है वो बंद कर दिया गया है। तो फी आई यू इंड क्या है, तो बता दें आपको कि भारत सरकार ने 18 नवंबर 2004 को इसे स्थापित किया था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सीधे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल यानी आईसी जो मतलब ईआईसी जो है उसको रिपोर्ट करती है। इस काउंसिल के हेड जो है वित्त मंत्री है। ये यहाँ पर सस्पेंडेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर नजर रखने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम यहाँ पर करती है और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की जाँच जो है वो ये करती है। चलिए बात तो करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो एयरटेल यूजर्स को लगेगा झटका, महंगे होने जा रहे हैं रिचार्ज प्लान। अगर आप भी एयरटेल की सिम यूज करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर, दरअसल एयरटेल यूजर्स को जल्दी झटका लग सकता है। दरअसल एयरटेल के जो यूजर्स जो है उनको अब पहले के मुकाबले ज्यादा जो है रिचार्ज प्लान के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। दरअसल बात यूँ है कि एयरटेल के जो चेयरमैन है सुनील मित्तल, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है। मित्तल ने कहा कि बाजार को टिकाऊ बनाने के लिए भारत में टेलीकॉम टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है। वही सवाल है कि आखिर कब तक प्लान बढ़ाया जा सकता है, तो अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि साल के 2-6 मई में बढ़ोतरी हो सकती है। ये कई लोगों के लिए जो हैरान करने वाली खबर हो सकती है, लेकिन इस पर बात साफ हो गई है, बहुत जल्द कंपनियां जो है टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है, यानी आने वाले दिनों में जो है आपको रिचार्ज प्लान के लिए जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये एयरटेल के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है।